हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ब्लैक मिलर्स की पार्टी हो गई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि बहुत से कांग्रेसी बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और अपना भारत मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक अशोक तंवर शनिवार को जयपुर में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। तंवर ने कहा कि कांग्रेस एक दिन अपने आप ही खत्म हो जाएगी, कांग्रेसी आपस में ही लड़कर मर रहे हैं, बहुत से कांग्रेसी हैं जो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, राजस्थान में बहुत से ऐसे नेता कांग्रेस से मिलेंगे जो बीजेपी को ताकत देने में लगे हुए हैं। बीजेपी इसलिए ताकतवर है क्योंकि कांग्रेस के कुछ लोग उनकी मदद करने में लगे हुए हैं। वहीं तंवर ने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस ब्लैकमेलर्स की पार्टी बन गई है, कांग्रेस में सब ब्लैकमेल करके जबरदस्ती लेने का काम कर रहे हैं, शरीफ आदमी के लिए यहाँ स्कोप कहाँ है, जो जितना ब्लैकमेल करेगा दबाव बनाएगा उसे उतना मिलेगा। वहीं तंवर ने यह भी कहा है कि राजस्थान सहित सब जगह आपको ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। देखिए कुछ न कुछ तो मामले हैं, ये तो सच्चाई है कि चाहे वो मुगल साम्राज्य हो चाहे आपका मामला हो, जब ऊपर से कमान थोड़ी सी लूज हो जाती है तो उसका जो ओरिजिनल सेटअप्स हैं पुराने टाइम में, उस समय जो सूबेदार होते थे अलग अलग राज्य के जो गवर्नर्स उस समय थे तो वो ऐसे ही करते थे। अब आज के कॉन्टेक्स्ट में जो भी मजबूत होता है वो ताकत अपनी दिखाता है। कांग्रेस पार्टी दरअसल ब्लैकमेलरों की पार्टी होगी, इट्स नॉट पार्टी ऑफ द लॉयलिस्ट, इट्स ए पार्टी ऑफ द ब्लैकमेलर्स, जो जितना बढ़िया तरीके से दबाव बनाएगा ब्लैकमेल करेगा उतना ही मामला वो कुछ ना कुछ ले जाएगा। ये पंजाब का उदाहरण वही है, और जो आज ये पंजाब में हो रहा है ये पिछले चुनाव में कैप्टन साहब ने किया था, हरियाणा में किसी दूसरे ने किया था, हिमाचल में उस समय वीरभद्र सिंह जी ने किया था, ऊपर चले गए वो। तो यहाँ तो सब ब्लैकमेल कर करके जबरदस्ती लेने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो शरीफ आदमी है, जो सच्चाई ईमानदारी और वफादारी और मेहनत की राजनीति करता है, उसका स्कोप कहाँ है? वो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो विधानसभा के स्तर पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो,